हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं 13.4 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 में बेटा आपको बोला गया है टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। टू नंबर सेलेक्ट करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले छः पॉजिटिव इंटीजर में से लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर ऑब्टेन। जो आप दो नंबर लेंगे लार्जर, उसमें से जो दो नंबर लेंगे उसमें से जो लार्जर नंबर है एक्स, उसको डिनोट कर रहा है। फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ मी। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो राइट करेंगे। गिवन है बेटा हमें फर्स्ट सिक्स। गिवन क्या दिए आपको? फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स ये आपको लेने हैं, इंटीजर्स। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, अब बच्चे 1 से लेके 6 तक आपके पास पॉसिबल नंबर है। आपको बोला गया है इसमें से आपने कोई दो नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो दो नंबर निकालने हैं। अगर आपने फर्स्ट निकाला, फर्स्ट निकालने के कितने पॉसिबल वेज हैं? 6। फिर आपने एक नंबर निकाल लिया, ठीक है, एक नंबर आपने निकाल लिया, बचे कितने? 5। और 5 में से आप दूसरा नंबर निकालेंगे तो उसके कितने वेज हैं? 5। तो इसी तरह से आपको अगर दो दो नंबर फाइंड करने हैं, दो दो नंबर निकालने हैं, तो उनके पॉसिबल वेज क्या होंगे? तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। तो वो क्या हो जाएंगे? 6 × 5 = 30। ओके, अब x जो दिया गया है, x दिया गया है आपको डिनोट्स द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, अब अगर आपने फर्स्ट टू नंबर 1 और 2 लिए तो इसमें लार्जर नंबर क्या रहेगा? 2। 2, 1, 2, 3 आपने नंबर लिए, इसमें लार्जर नंबर क्या रहेगा? 3। 1, 2, 3, 4 इसमें लार्जर नंबर क्या रहेगा? 4। तो मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, पॉसिबल वैल्यूज, तो वो एक्स की क्या रही होंगी? वो आपके पास रही होंगी 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, यही रही होंगी। चलिए, अब हमें क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। जब हमारे पास लार्जर नंबर 2 है तो मतलब हम 1 और 2 को लेके चलेंगे, तो पॉसिबल वेज हमारे क्या बनेंगे? 1, 2 एंड 2, 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इन दो इवेंट की? 2/30, 1/15। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, जब आपने 3 नंबर लिया तो मतलब 1, 2, 3 3 के साथ, 3 लार्जर नंबर है ना, तो 3 के साथ कंपेयर करेंगे, 1 3 3 1। फिर 2 3 3 2। ओके, तो कितने वेज बने? 4। प्रोबेबिलिटी भी क्या रही? 4/30। कटिंग करेंगे 2/15। ठीक है, अब हमारे पास x इज इक्वल टू 4। 4 बड़ा नंबर है, कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4। तो सबके साथ बनाएंगे कॉम्बिनेशन इसका, 1, 4 हो जाएगा 4, 1, 2, 4 हो जाएगा फिर 4, 2, फिर आपके पास आ जाएगा 3, 4 आ जाएगा 4, 3। तो टोटल कितने आ गए? 6। तो हमारे पास कितने आ गए? 6, 6/30। तो आप, हमारे पास 50 नीचे रहना चाहिए, तो हम इसे 2 से करेंगे, तो 3 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, लार्जर नंबर 5, तो 5 के साथ सबका आप क्या करेंगे? 1, 5, 5, 1 ऐसे। ठीक है, 1, 5, 5, 1, 2, 5,
फाइव टू, मतलब इस तरह से नंबर बन सकते हैं ना। ग्रेटर नंबर तो हमारा फाइव ही है इसमें, थ्री फाइव एंड फाइव थ्री, फिर फोर फाइव एंड फाइव फोर, कितने नंबर आ गए आपके पास ये एट, एट बाय थर्टी, तो फोर बाय फिफ्टीन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स, तो सिक्स के साथ बनाएंगे वन सिक्स, सिक्स वन, टू सिक्स, सिक्स टू, थ्री सिक्स, सिक्स थ्री, फोर सिक्स, सिक्स फोर, फाइव सिक्स, सिक्स फाइव। ठीक है, क्लियर है। तो कितने आ गए ये आपके पास नंबर, काउंट करिए, टेन बाय थर्टी, तो फाइव बाय फिफ्टीन। फिफ्टीन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन मीन निकालना है, इसलिए हम इसका एलसीएम जो लेंगे फिर फिफ्टीन ही आएगा ना, इसलिए ज़्यादा नहीं हम इसको कट कर रहे। ठीक है, चलिए अब आप क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो एक्स पी एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास ज़ीरो, ज़ीरो पे ज़ीरो, सॉरी ज़ीरो नहीं है हमारे पास, आपको मीन बोला ना इसका, यस बोला है, तो टू है, टू पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है वन बाय फिफ्टीन, फिर हमारे पास थ्री है, थ्री पे हमारे पास क्या है टू बाय फिफ्टीन, फिर फोर है, फोर पे है हमारे पास थ्री बाय फिफ्टीन, फिर फाइव है, फाइव पे है हमारे पास फोर बाय फिफ्टीन, फिर सिक्स है हमारे पास फाइव बाय फिफ्टीन। ठीक है, ये आ गया मीन, एक्सपेक्टेशन मीन, तो यहीं पे कर लें समीशन रैंडम वेरिएबल मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल, हो नहीं पाएगा यहाँ पे, चले यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, चलिए यहाँ से इरेज करी मैं। ये आ जाएगा हमारे पास समीशन रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, टू मल्टीप्लाई वन बाय फिफ्टीन प्लस थ्री मल्टीप्लाई टू बाय फिफ्टीन प्लस फोर मल्टीप्लाई थ्री बाय फिफ्टीन प्लस प्लस करके फाइव मल्टीप्लाई फोर बाय फिफ्टीन प्लस सिक्स मल्टीप्लाई फाइव बाय फिफ्टीन। यहाँ पे भी कटिंग मत करना, सीधा मल्टीप्लाई करो, टू बाय फिफ्टीन प्लस सिक्स बाय फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व बाय फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी बाय फिफ्टीन प्लस थर्टी बाय फिफ्टीन, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ऊपर वाला प्लस कर लीजिए, फिफ्टी सिक्सटी, सिक्सटी और सेवेंटी, सेवेंटी बाय फिफ्टीन। तो बच्चे अगर हम फिफ्टीन काटो इसको फाइव से, फाइव फोर्टीन ज़ा, फाइव थ्री ज़ा, तो दिस वन इज़ योर आंसर। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ प्रमोट माई चैनल, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।